जय सियाराम। क्या कहती है आपकी राशियां दिसंबर 2018, और कौन से प्रमुख व्रत इस दिसंबर के महीने में और खड़ा मास का प्रारंभ कब होगा, जिसके बाद कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता। इसकी हम चर्चा करें उसके पहले मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि। सर्वप्रथम मेष राशि, परेशानियों पर अंकुश, धन का नियमित लाभ, वो कार्य जो काफी दिनों से नहीं हो रहा था सिद्ध होगा, और वो योजनाएं परिपूर्ण होंगी जिसमें आर्थिक लाभ है। वो जातक जो राजनीति में है उनके लिए ये दिसंबर का महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। स्त्री सुख, धन का सुख, मुकदमे में फायदा, ये सारे सुख मेष राशि वालों को मिलने जा रहे हैं। वाक्यवत्ता से सारे कार्य सिद्ध होंगे। क्या उपाय करें? ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। वृष राशि, मन विचलित होगा, आत्मविश्वास में कमी आएगी, आत्मसंतोष नहीं होगा, यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेंगी, फिर भी प्रारब्ध का साथ रहेगा, नित्य संघर्ष के बावजूद भी कार्य सिद्ध होंगे। क्या करें? बचत करने की आदत डालिए, खर्च से बचें, माँ लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें, करके देखिए। मिथुन राशि, आत्मबल में बढ़ोतरी, वो कार्य जिससे अर्थ का लाभ होने जा रहा है वो कार्य निश्चित रूप से बनेंगे। वाद विवाद में कमी आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत न होने के कारण भी परिवार में आनंद का वातावरण बनेगा। क्या करें? गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। कर्क राशि, किसी नए कार्य का शुभारंभ होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आध्यात्मिक यात्राएं होंगी, शत्रु परास्त होंगे, सारे कार्य सिद्ध होंगे, आचरण आपको पवित्र रखना पड़ेगा। क्या करें? शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें। प्रमुख व्रत दिसंबर, 3 दिसंबर को एकादशी कृष्ण पक्ष की, 4 दिसंबर को प्रदोष, और ये प्रदोष भौम प्रदोष होगा, यानी मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष। ये वो तिथि है अगर ऋण ना उतर रहा हो इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा पाठ किया जाए तो ऋण मुक्त मिलता है, ऋण से मुक्ति मिलती है। अमावस्या, अमावस्या 6 और 7 तारीख, 6 तारीख को श्राद्ध की अमावस्या, 7 तारीख को दान और स्नान की। जो जातक गंगा जी स्नान करते हैं या अपने पितरों के निमित्त कुछ दान करना चाहते हैं उनके लिए 7 दिसंबर को अमावस्या रहेगी। सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशि, सिंह राशि, व्यवसाय में कठिनाई, नौकरी और व्यापार में उतार चढ़ाव, श्रम अधिक करना पड़ेगा, आर्थिक लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु जीवन साथी के सहयोग से और अधिक श्रम करने से आर्थिक लाभ मिलेगा, कार्य सिद्ध होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। क्या करें? हनुमान जी के शरण में रहें, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। कन्या राशि, बंधन भय, चोरी का डर, धन हानि, माता का विरोध, पड़ोसियों से विरोध, प्रतिकूल समय। क्या करें? व्यर्थ वाद विवाद से बचें, किसी की बात किसी के कहने से बचें, सरसों के तेल का छायादान करें, निश्चित परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तुला राशि, धीरे धीरे सारे कार्य नियमित होते चले जाएंगे और धीरे धीरे ही सही आर्थिक लाभ भी मिलता चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन का लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, मन उत्साहित और आनंदित रहेगा, लेकिन कुछ नए व्यक्तियों के प्रवेश से मन अशांत हो सकता है, तो ऐसे नए व्यक्ति से सावधान रहें। क्या करें? ओम शुम शुक्राय नमः का जप करें। वृश्चिक राशि, ये समय अपने लिए अपने से ज्यादा अपने जीवन साथी के सहयोग करने का समय है। आपका सहयोग उन्हें उन्नति मार्ग में आगे बढ़ा सकता है।
उनके बिगड़े हुए काम को बना सकता है, उनके रुके हुए कार्य को आगे बढ़ा सकता है। आपके लिए क्या विशेष रहेगा? विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात होगी, उनका परामर्श मिलेगा जो आपके भविष्य की योजनाओं के लिए मददगार साबित होगा। क्या करें आप? हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। अब बचे हुए व्रत दिसंबर माह के, गणेश चतुर्थी 11 दिसंबर, 16 दिसंबर को खड़मास यानी सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, 18 दिसंबर को एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष की, 20 दिसंबर को प्रदोष व्रत होगा और आखिरी में 22 दिसंबर को पूर्णिमा का व्रत स्नान एवं दान, एक ही दिन व्रत भी स्नान दान भी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। अपने मिलनसार व्यवहार की वजह से आपसे मिलने वाले आपको आर्थिक लाभ देंगे, ये निश्चित है। व्यापार में लाभ होगा, ये भी निश्चित है। हाँ, कर्ज लेने और देने से बचें, संबंध खराब हो सकते हैं। प्रशासन की ओर से भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कोई नए कार्य को आप प्रारंभ कर सकते हैं। क्या उपाय करें? रविवार को गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाइए। मकर राशि। छोटी मोटी उलझनों के बावजूद अपने आत्मविश्वास से अपनी स्थिति को अपने अनुसार कर लेंगे, यानी प्रतिकूल से अनुकूल कर लेंगे। अगर कोई आप नई शिक्षा लेना चाहते हैं तो ये उचित समय है। रचनात्मक कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करें? ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करें। कुंभ राशि। कोई योजना जो आपने पहले बनाई होगी वो जमीन पर उतरेगी। हाँ, प्रारंभ में आर्थिक चोट आपको लग सकती है। जो नौकरी में है उनको अपनी योग्यता, अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपने उच्च अधिकारियों के सहयोग से पदोन्नति मिल सकती है। क्या करें? मंगलवार को बूंदी का लड्डू प्रसाद स्वरूप चढ़ाकर वितरित करें। और अंत में मीन राशि। समय प्रतिकूल है, बनते हुए काम अंत में कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी, मन अशांत होगा। ऐसा स्थान, ऐसे लोग जहाँ से मन को शांति मिले, आप वो समय और वो व्यक्ति को चुन सकते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। क्या उपाय करें? खीर का दान प्रत्येक शनिवार को किसी कुष्ठ रोगी या विकलांग को दें, निश्चित मन को शांति मिलेगी। यदि आप इसी तरह प्रति माह अपना राशिफल जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप घर बैठे अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण फ़ोन के माध्यम से करवा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9454621446।